कैसे हो दोस्तों? ठीक है। ये देखिए पुरका जी का मंजर, बारिश हो रही है। अभी हम जा रहे हैं खेतों की ओर। अभी पुरका जी से बाहर निकले हैं, सत्य विहार है और ये पुरका जी की टंकी है। यहाँ से पुरका जी में पानी सप्लाई होता है। इधर टावर खड़े हैं और ये जो रोड जा रहा है ये खाई खेड़ी जा रहा है और हम लोग जो जा रहे हैं अपने खेतों पर जा रहे हैं। देखते हैं बाहर कैसा मौसम है, कैसी बारिश पड़ी है। बारिश तो काफ़ी अच्छी हो रही है, दो दिन हो गए हैं और आज 23 तारीख है, शायद 23 जनवरी 2022। ये देखिए यहाँ पे नया बोरिंग हुआ है, टंकी का दूसरा यहाँ पे नया बोरिंग किया गया है। और इधर देखा सरकारी मैदान पड़ा हुआ है, वहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे सरकारी मैदान से। सभी किसान इस प्लॉट से बहुत परेशान हैं, इसी प्लॉट की वजह से यहाँ पे रास्ता नहीं है किसानों के लिए। ये देखो सरकारी संपत्ति है, पहले लोग यहीं को चलते थे और अभी लोग किसान इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ज़मीन की कीमत भी बहुत डाउन जा चुकी है। 3 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गई, 2 लाख ही समझो बस, 2 लाख रुपए बीघा। ये देखो काफ़ी लंबा छोटा प्लॉट है तो। आम के पेड़ भी खड़े हैं इसके अंदर, जमाना हुई है। इनको भी जमाना नहीं, अरसा हो चुका है, काफ़ी पुराने पेड़ हो चुके हैं। अभी चलते हैं, आपको खेतों का मंजर दिखाएंगे। सरसों बो रखी है, सरसों का खेत दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये देखियो जी सरसों का खेत, सरसों सरसों चमक रही है। आज इस सरसों को पूरे 4 महीने हो चुके हैं। 23 अक्टूबर में सरसों बोई थी, करीब करीब 23 जनवरी है। दो खेत हैं, एक पड़ली तरफ एक उड़ली तरफ। काफ़ी अच्छा सरसों का खेत हो रहा है। तो भाई वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। खेतों का नज़ारा देखो और नज़ारे का नज़ारा देखो। ये सरसों है एडवांटा 414। देखो बहुत अच्छा फली आता है, अभी से फली आ रही है। गेहूं के खेतों में कंघी करे हवाएं हैं, मीठा होते हैं सफर। जवाब नहीं आवा सरसों के, बहुत बड़ा सरसों कटी है। लो जी सरसों का खेत, सरसों हो रही है बढ़िया वाली, और बारिश भी बढ़िया पड़ रही है भाई। छम 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 थोड़ी आ रही है इस जगह। ओ मिर्चे डोल पर भी तो लगाया था, क्या लगाया था? भिंडा वंडा से क्या लगाई थी? वो तो बाजरे में लगाई थी उस्ताद। बाजरे हाँ।